घर घर में गांव गांव में चार छह आठ तो कंस मिल ही जाएंगे, चार छह आठ रावण मिल जाएंगे। रावण कोई बुरा नहीं था, लेकिन भैया जिसके अंदर अहंकार होता है वो रावण के समान होता है। और आज इस दुनिया में मैंने देखा है कि अहंकार के अलावा और कुछ नहीं है। किसी को कोई सुंदर है तो कहता मैं सुंदर हूँ इसलिए अहंकार कर रहा हूँ। महाराज अहंकार नहीं करना चाहिए। किस बात का अहंकार कर रहे हो? ये काया भी हमारी नहीं और ये माया भी हमारी नहीं। ये काया भी किसी और की है और ये माया भी किसी और की है। भगवान जब चाहेंगे तब इस काया को छुड़ा लेंगे और जब चाहेंगे तो माया को भी छिना लेंगे। इसलिए हमारा कुछ नहीं है, ना तो काया है और ना ही माया है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को धन दौलत चाहे भले ही इकट्ठा करके मत दे पाओ लेकिन संस्कार दीजिए। क्योंकि धन दौलत अगर तुमने दे दिया और अगर संस्कार नहीं दिए तो धन दौलत कितनी भी दे देना, अगर संस्कार नहीं दिए तो बालक तुम्हारा सारा का सारा पैसा खराब कर देगा। अगर तुमने बच्चे को पैसे नहीं दिए और अगर संस्कार दे दिए तो समझ लेना भैया वो अपनी बुद्धि से न जाने कितना कमा लेगा, न जाने कितना कमाएगा, इसकी कोई कोई इसका कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हम लोग आज क्या करते कि जब दशहरा होता है तो बहुत बड़ा एक रावण बनाया जाता, बनाया जाता कि नहीं? आपके यहाँ बनता कि नहीं? दशहरा वाले दिन कितना बड़ा, बहुत बड़ा बनता होगा ना? हाँ, फिर लल्ला को बिठार के ले जाते हो कंधे पे। महाराज रावण बहुत ऊंचा बनाया जाता है। मैंने तो नहीं कभी देखा लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि जब दशहरा वाले दिन रावण बहुत तंगड़ा बनाया जाता और फिर इतना कहीं पर भीड़ नहीं होगी जितनी दशहरा वाले दिन रावण जब मारा जाता है तब वहां पर भीड़ होती है। क्या होता कि रावण तो बहुत बड़ा बना दिया और राम कितने से बना दिए? इतने से। रावण बहुत बड़ा और राम छोटे से। और फिर बाबा जाएंगे लला को हाथ पकड़ के, चलो लला रावण को देखेंगे, चलो रावण को देखेंगे, रावण मारा जाएगा। अब लला को नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है तो लला को कंधे पर बिठा लिया, देखो लला वो रावण है, अब ये मारा जाएगा। राम छोटे से और रावण बड़ा सा। एक बात का ध्यान रखना भैया, मैं ये नहीं कहती हूँ कि दशहरा नहीं मनाइए, मनाइए, खूब मनाइए, रावण को मारिए, मगर कम से कम ये भी तो देखिए कि राम छोटे बनाए जाते और रावण बहुत बड़ा बनाया जाता। तो बच्चों के दिमाग में विचार आते हैं कि हमें लगता है कि रावण राम से बड़ा है, रावण राम से बड़ा है। अगर बच्चों को संस्कार देने हैं तो अच्छे संस्कार दीजिए। अब बच्चों के दिमाग में विचार बनता है कि रावण राम से बड़ा है तो वही कार्य हमें करना चाहिए जो रावण कर रहा था, जो कंस कर रहा था वही हमें कार्य करने चाहिए। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए, पैसे दो या न दो कोई जरूरी नहीं है। अगर तुमने संस्कार दे दिए तो पैसों की कोई अहमियत नहीं होती है जितनी संस्कारों की अहमियत हो। महाराज आज सातवां दिन है, शैतान की कथा आप लोग श्रवण कर चुके हैं, सातवें दिन में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं।